गुड मॉर्निंग उल्टा अंकल, उल्टा बेटा, गुड मॉर्निंग, कहाँ जा रहे हो बेटा? अंकल मुझे तरबूज दे दो, अंकल मुझे तरबूज दे दो। बेटा तरबूज तो मेरे पास में है नहीं आज, तुम जाकर आगे से ले आओ। मगर अंकल मुझे तरबूज की पहचान नहीं है, आगे से लाऊंगा क्या पता तरबूज अच्छा निकले या खराब निकले। बेटा सुनो, मैं तुम्हें तरबूज की पहचान बताता हूँ, उससे तुम्हें मीठे तरबूज ही मिलेंगे। सबसे पहली बात, तुम जो तरबूज लेकर आओगे वो देखना, तरबूज समान आकार का होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा लंबा ना हो। दूसरी बात, तरबूज पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, समझ गए ना? तीसरी बात, तरबूज को उठाकर देखना, जैसे कि दो तरबूज होते हैं समान आकार के, उसमें से जिसमें से तुम्हें वजन ज्यादा लगे वो तरबूज लेना। जो मीठे तरबूज होते हैं ना, उनका वजन ज्यादा होता है, वो भारी तरबूज होते हैं। चौथी बात, बहुत ज्यादा चमकीले चमकदार तरबूज ना लेना, रंग उनका गहरा होना चाहिए, वो पके तरबूज होते हैं। इसके अलावा सबसे खास बात सुनो बेटा, तरबूज को उठाकर हाथ से थपथपाके देखना, जो उसमें आवाज होगी ना वो उसमें मदद देगी। इसके अलावा चौथी बात, अगर कहीं पे कोई निशान बनाओ सुई टाइप का कुछ भी, उसे मत लेना, वो इंजेक्शन से पकाए हुए होते हैं। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। अब मैं पका हुआ तरबूज ही लेके आऊंगा, अच्छा तरबूज लेके आऊंगा, इससे मेरी मम्मी पापा खुश होंगे, उनके पैसे का नुकसान भी नहीं होगा। थैंक यू अंकल।